अर्पित, मैं पवन भाषा योग समिति का सुर सदन प्रेक्षा गृह में मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री भीसंत सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से गुरुवर के हजारों भक्त भी शामिल हुए। गणाचार्य शिवराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वैसंत सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग इस वर्ष आगरा को मिला है, जिसके चलते आगरा के सकल दिगंबर जैन समाज की चांदी चांदी हो गई है। मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचकर अर्पित माय पावन वर्षायोग समिति के पदाधिकारियों ने समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन कर किया। राशि जैन के निर्देशन में आगरा नगर की समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं ने भक्ति गीत पर बहुत सुंदर नृत्य कर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी और ध्वनि म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किया। सौभाग्यशाली भक्तों ने उपाध्याय श्री वह संत सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए। इस दौरान अर्पित माय पावन वर्षायोग समिति के पदाधिकारियों एवं भक्तों ने उपाध्याय श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बाहर से पधारे सभी अतिथियों का वर्षायोग समिति ने माला दुपट्टा पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम के मध्य में भक्तों को उपाध्याय श्री की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्य मंगल कलश प्रदीप जैन पीएनसी परिवार को प्राप्त हुआ। द्वितीय मंगल कलश सुनील जैन नरेंद्र जैन परिवार, तृतीय मंगल कलश रोहित जैन अहिंसा परिवार, चौथा मंगल कलश निर्मल जैन मोठिया परिवार को, तो वहीं पांचवा मंगल कलश जगदीश प्रसाद जैन एवं पीयूष जैन परिवार को प्राप्त हुआ। पंडित श्री संदीप जैन शास्त्री के कुशल निर्देशन एवं कार्यक्रम का संचालन मनोज जैन बाकलीवाल एवं उमेश जैन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं आगरा सांसद एसपी सिंह जी बघेल एवं राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हमारे जैन संत विहंत सागर महाराज जी का चतुर्मास का सौभाग्य आगरा की जनता को मिला है। आज कलश स्थापना का दिन है और कलश स्थापना हो रही है। यह सूर सदन के इतने बड़े विशाल हॉल के अंदर पूरा भरा हुआ है और आगरा के शहर के सभी प्रमुख जन भी यहाँ उपस्थित हैं और कलश की स्थापना हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार 4 महीने तक का जो उनका यहाँ प्रवास रहेगा, उनका उसमें धर्म लाभ आगरा की जनता को मिलेगा। पूर्णिमा के अवसर पर मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहंत सागर जी महाराज का चतुर्मास हमारे शहर में हो रहा है। इस अवसर पर मंगल कलश स्थापना दिवस पर आयोजित इस समारोह में मुझे आने का अवसर मिला। उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिला जिन्होंने इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए अपना दान दिया है। जैन धर्म विज्ञान के बहुत नज़दीक है और अपना रक्षा बजट को कम कर लें तो जैन धर्म विज्ञान के बहुत नज़दीक है। आज डाइटिशियन भी कहती है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, क्या खाना है नहीं खाना, ये हमारे मुनि महाराज लोग। जैन एक धर्म कम है, एक जीवन जीने की पद्धति और आचार संहिता वाला जीवन ज्यादा है। जैसा कि मैंने देखा कि पहले भी चौमासा हुआ था सुधा सागर जी महाराज जी का, तब भी आपको आशीर्वाद मिला था, आप पधारे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? आगरा में ऐतिहासिक रहने वाला है और चैनल के उन दर्शकों के लिए क्या मैसेज है जो आने वाले दिनों में जो भी गुरुवर के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम होंगे उसका आनंद लेने वाले हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुवर जो 4 माह अपना उपदेश करेंगे, प्रवास करेंगे और उनके उपदेश के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं और परग्रह भी थोड़ा कम कर सकते हैं और हिंसा ना करें और एक आचार संहिता वाला जीवन जिएंगे तो हम निरोगी भी रहेंगे और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम की व्यवस्था ज्ञानोदय
क्लब के सदस्यों द्वारा संभाली गई। इस अवसर पर गौरवाध्यक्ष प्रदीप जैन, पीएनसी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन, राकेश जैन पर्दे वाले, सुनील जैन ठेकेदार, महामंत्री रोहित जैन, मुख्य संयोजक मनोज जैन बाकलीवाल आदि मौजूद रहे। चातुर्मास समिति के मुख्य संयोजक मनोज जैन बाकलीवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर उन्होंने भी आयोजन को लेकर कहा, पूज्य सुधा सागर जी के बाद पुनः एक बार एक और चौमासा हमें मिला है, लेकिन ये चौमासा मैं बता दूं अपने सभी दर्शक जो देख रहे हैं, ये पढ़ने और पढ़ाने का चौमासा है, क्योंकि उपाध्याय श्री हैं तो दिन भर में 4 क्लासें लगेंगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग की, फिर 8 बजे की, फिर 3 बजे की, फिर 6 बजे की। हमारा उद्देश्य इस बार ये है कि हम पढ़ाई ज़्यादा करें, बाकी हर 15 दिन में एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है उस पर करेंगे, 15 अगस्त आ रही है उस पर करेंगे, 6 अक्टूबर को महाराज जी बहुत बड़ी सरस्वती अर्चना करा रहे हैं, उसकी तैयारी हम ज़बरदस्त कर रहे हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे सबको, 6 अक्टूबर को आप भी तैयार रहिएगा, सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ये जिनेन्द्र महाअर्चना होगी, सरस्वती अर्चना होगी, और उसमें हजारों व्यक्ति इस बार आने वाला है, इसकी सारी डिटेल आप तक आ जाएगी। देखिए, उपाध्याय मुनि व्यसन सागर महाराज हमारे यहाँ आगरा में जयपुर हाउस में 2006 में चातुर्मास कर चुके हैं, परम पूज्य मुनि विहर्ष सागर महाराज के साथ में क्षुल्लक अवस्था में, मेरा पूरे संघ के साथ ही जुड़ाव हमेशा से रहा है, और इनके चातुर्मास का पत्र लेने के लिए भी मैं गणाचार्य विराग सागर महाराज के पास गया था, और वहाँ उन्होंने हमको बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा कि ये चातुर्मास बहुत अच्छा रहेगा और ये नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। और जिस तरीके के कार्यक्रम आगरा में इनके आने के बाद, चाहे वो बलकेश्वर हो, बगदा हो, या और भी समाजों में और नए मंदिर बनने की जो संभावना बढ़ी है, उसको देखते हुए चातुर्मास शत प्रतिशत नहीं 110% बहुत ही कहना चाहिए कि सफल आयोजन होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। आगरा हमारा है और हम आगरा के हैं। लगभग 18 साल पहले हमारा चतुर्मास हुआ था, उस समय हम लोग भगवान महावीर का जनकलणक मनाने आए थे, जनकलणक मनाए, पंचणक किया, फिर 4 महीने का वर्षा योग किया जयपुर हाउस में। उसके बाद आगरा आना बनता रहा, कभी महावीर जयंती के लिए, कभी पंचणक के लिए, कभी वेदी प्रतिष्ठा, कभी मंदिर शिलान्यास, कभी संत भवन का कार्यक्रम। इस बार गुरुदेव का परम आशीर्वाद ऐसा आगरा वालों को रहा कि हमारा यहाँ पर 2024 का वर्षा योग हुआ, और ये वर्षा योग की स्थापना आज 28 जुलाई को हुई। और मुझे कहीं से आगरा नयापन नहीं लगता, यहाँ से 18 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो वोट डालने की स्थिति पे है, यानी 3 पीढ़ियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी नयापन नहीं लगता। यहाँ की भक्ति पेठे की मिठास से भी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हम लोग बार बार आगरा आते रहते हैं, और वर्षा योग में 4 महीने 4 टाइम पढ़ाई लिखाई क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोग भी आइएगा। मेरा जिनवाड़ी चैनल के लिए भी विशेष आशीर्वाद है, उनके सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी, और उनके चेयरमैन के लिए, कि जिन्होंने इतना सुंदर इसको जैन फोकस के माध्यम से दुनिया दूर तरक तक इस धर्म प्रभावना को पहुँचाया। 4 महीने ऐसे ही कदम और कलम दोनों एक साथ चलते रहेगी तो धर्म प्रभावना चलती रहेगी। आगरा नगर का परम सौभाग्य है कि इस बार हमको गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य उपाध्याय श्री व्यसन सागर जी महाराज का चातुर्मास कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम नगरवासियों का सौभाग्य होता है कि जब चातुर्मास होता है उस समय 4 महीने तक गुरुदेव हमको जो वाणी देते हैं उनको हमको सीखना चाहिए, उनके आचरणों का पालन करना चाहिए, साथ ही हमें जैन धर्म के अनुसार जो क्रियाएँ बताते हैं गुरुदेव उनका पालन करते हुए अपने को मोक्ष की ओर प्रशस्त करना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन का उद्धार कर सकें, अपना कल्याण कर सकें। गुरुवर का आशीर्वाद ऐसा है कि पूरे ऑल इंडिया समाज में उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर महाराज जी का ये एक अपना अलग ही चमत्कार है, जिसके चमत्कार के आशीर्वाद से आपको पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष से सारे लोग आते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज मंगल कलश स्थापना पे हजारों लोगों की जनसंख्या यहाँ देखने को मिल रही है। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसन सागर जी महाराज के मंगल कलश महोत्सव में पूरे देश से
हज़ारों की संख्या में भक्तगण आए हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पर मंगल कलश स्थापना का हो रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में इस समय पूरे देश से पधारे हुए भक्तगणों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आज के इस आयोजन का यहाँ पर उद्घोष हो रहा है। परम पूज्य उपाध्याय श्री बेसंत सागर जी मुंडाज, जो कि आगरा के नगर निगम के भव्य सूर सदन में आज अपने चातुर्मास कलश की स्थापना को कर रहे हैं, एक नव्य दिव्य गव्य और भव्य चातुर्मास आगरा की इस भूमि पर प्रारंभ होने जा रहा है आज दिनांक 28 जुलाई से। और आप देखेंगे ये गुरुदेव जिनके कंठ पर सरस्वती विराजमान है और जो कह देते हैं वही होकर के रहता है। आज सूर सदन आगरा से सकल जैन समाज को ये संदेश देने जा रहा हूँ कि पूज्य गुरुवर का मंगलमय चातुर्मास स्थापन आज यहाँ भव्य समारोह के मंद हो रहा है। पूज्य गुरुदेव व्यसन सागर जी महाराज, जो अभी भगवान महावीर जन कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर आगरा में पधारे थे, उन्होंने नगर की विविध शैलियों में भ्रमण करने के बाद में जन सामान्य को ये भगवान महावीर के इस जन्म जयंती के अवसर संदेश दिया था और उस संदेश के माध्यम से आज आगरा नगर में उनके आशीर्वाद से अनेक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली, डबरा, मैनपुरी, इटावा, कुरावली, भिंड, बरासो, करहल, ग्वालियर, मुरैना, शिकोहाबाद, इंदौर, फिरोजाबाद, धौलपुर, आगरा के अलावा विभिन्न नगरों की सकल जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।